subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के इस वीडियो की तरह बात करने वाले हैं Samsung Galaxy Note 20 सीरीज के रिलेटेड। अब मुझे ये बात पता है कि Samsung की S20 सीरीज रिसेंटली लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन क्योंकि Samsung का जो लॉन्च साइकिल है फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए वो हर 6 महीने वाला है, तो नोट सीरीज के जो लीक्स और रूमर्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने सोचा अच्छा टाइम है कि मैं आपको वो लीक्स और रूमर्स बता दूं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि Samsung आने वाली डिवाइसेस के अंदर क्या प्लान कर रही है। वेल, नोट सीरीज़ की जो डिवाइस है वो बेसिकली S20 सीरीज़ की काफ़ी हद तक एक रिफाइनमेंट होने वाली है, और यही वजह है कि नोट सीरीज़ Samsung की बहुत ज़्यादा लव्ड सीरीज़ रहती है। उसकी रीज़न ये होती है कि Samsung S सीरीज़ के अंदर कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद उस फीचर को नोट सीरीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करके बेहतर बनाया जा रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप S20 अल्ट्रा की बात करते हैं, ये पहली बार है कि इसके अंदर इतना बड़ा मेगापिक्सल वाला कोई कैमरा लगा है जो कि 108 मेगापिक्सल वाला है। ये पहली बार है कि सैमसंग ने पेरिस्कोप कैमरास का यूज़ किया है। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ऑल्दो सैमसंग ने इस फ़ोन के ऊपर वर्क करवा ली हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नोट सीरीज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक रिफाइन हो जाएंगी, और इसके अंदर आने वाले जो छोटे छोटे मसले हैं जैसे 108 मेगापिक्सल के अंदर आपको फोकस का थोड़ा इशू आता है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पास स्टेबलाइजेशन नहीं होती, उसके अलावा जो पेरिस्कोप कैमरा है उसकी जूम जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम पर आपको ब्लरी रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये वो सारे मसले हैं जो कि मेरे हिसाब से नोट सीरीज़ के अंदर सैमसंग रिफाइन करेगी। तो कैमरा वाली साइड से मोर और लेस आपको हार्डवेयर सेम देखने को मिलेगी, लेकिन इनके अंदर जो मसले हैं उनको रिमूव किया जाएगा, और यही वजह है कि नोट 20 सीरीज़ जो है वो सैमसंग यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। S20 सीरीज़ जब लॉन्च हुई है तो इसके साथ जो कोड लॉन्च हुआ है, जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुई है, उसके अंदर देखने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ की गई है कि सैमसंग की जो आने वाली फ्लैगशिप डिवाइसेज होंगी वो बेसिकली दो मॉडल्स में आ रही होंगी। तो S20 की तरह आपको तीन मॉडल्स देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इस नोट 20 के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ दो मॉडल्स आएंगे। अब उनका नाम क्या होता है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल मॉडल होगा जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नोट 20 कहलाएगा, और उसके बाद एक महंगे वाला मॉडल होगा जो कि नोट 20 प्लस या नोट 20 अल्ट्रा कहला सकता है। वैसे मुझे लगता है कि नोट 20 प्लस कहा जाएगा, क्योंकि अल्ट्रा जो है ना वो आई थिंक सैमसंग कभी कभार ही करेगी, वो ऐसा नहीं होगा कि हर लॉन्च साइकिल में एक अल्ट्रा डिवाइस आए, लेकिन आई डोंट नो सैमसंग नाम क्या रखती है, लेकिन आपको नोट सीरीज़ के अंदर दो डिवाइसेस देखने को मिल रही होंगी, और दोनों डिवाइसेस के अंदर स्नैपड्रैगन 865 एक्सपेक्टेड है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले साल हमने ये चीज़ नोटिस की कि एस सीरीज़ से नोट सीरीज़ के ऊपर आते आते हमें प्रोसेसर का अपग्रेड देखने को मिला, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस जो था उसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली वही चिपसेट्स आपको नोट सीरीज़ में मिलेंगे जो कि S20 सीरीज़ में आए हैं। तो अमेरिका वाली साइड पर स्नैपड्रैगन वाला 865 होगा, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि Exynos 990 आएंगे। नोट सीरीज़ के सारे फ़ोन्स S20 की तरह ही 5G सपोर्टेड डिवाइसेज होने वाली हैं। ऑल दो एक डिफरेंस जो कि आपको देखने को मिलेगा वो रैम और स्टोरेज वाली साइड पे है, जहां पर आपको 12GB जो है वो बिल्कुल लोअर वेरिएंट देखने को मिलेगा, और उसके बाद 16GB जो है आई थिंक वो जो उनका प्लस वेरिएंट है उसका बेस वेरिएंट कर दिया जाएगा। तो मिनिमम रैम जो आप प्लस वेरिएंट में ले सकेंगे वो 16GB होगी, जो कि बहुत ज़्यादा रैम है। लेकिन अगर आप बात करते हैं 5G की, तो 5G में रैम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ज़्यादा डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं 5G स्पीड के ऊपर तो उसको कहीं रखना भी है ना, तो रखने के लिए आपको जो रैम है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगला फीचर जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, वो मेरे हिसाब से नोट सीरीज़ का सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड फीचर हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में गारंटी नहीं है कि सैमसंग नोट सीरीज़ पे ही लेके आएगी। हो सकता है कि ये नोट 20 पे आए, हो सकता है कि आने वाले अगले साल में एस सीरीज़ के अंदर आए, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जो कि लीक होना स्टार्ट हो गया है। रिसेंटली ज़रियाब ने भी अपनी वीडियो के अंदर पॉइंट आउट किया हुआ था कि साउथ कोरिया के अंदर मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि देखने में नोट सीरीज़ जैसी लग रही है, लेकिन उसके फ्रंट साइड पर कोई कटआउट नहीं है, तो ये जो फ्रंट कैमरा है ये मौजूद ही नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई फ्रंट कैमरे का क्या किया है, तो भाई फ्रंट कैमरा को फ्रंट से रिमूव करने का एक ही तरीका होता है कि आप पॉपअप कैमरा डाल दें ताकि वो बिल्कुल जो स्क्रीन है वो फुल फ्लैज हो जाए और पॉपअप कैमरा आ जाए, लेकिन सैमसंग पॉपअप वाली साइड पर नहीं जाएगी। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि सैमसंग स्क्रीन के नीचे कैमरा लगाने वाली है। अब ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमने इससे पहले देखी नहीं है, इनफैक्ट ओप्पो जैसे ब्रांड ने ये टेक्नोलॉजी कुछ टाइम पहले शोकेस की थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक किसी प्रोडक्शन लेवल की डिवाइस के ऊपर नहीं आई। तो ओप्पो ने इसको शो ज़रूर किया था, लेकिन इसको एक्चुअल में लॉन्च नहीं किया। इस टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली प्रिंसिपल वही है जो कि आपके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए यूज़ होता है। आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एसेंशियली एक कैमरा ही होता है, लेकिन
इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप स्क्रीन के नीचे कैमरा लगाते हैं तो मसला आ जाता है कि क्वालिटी जो है वो कैमरास की बड़ी ख़राब हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि सैमसंग इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करती है और हमें क्वालिटी का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है या नहीं। पर्सनली मेरा यही बिलीव है कि सैमसंग के पास ये टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम पहले से मौजूद है, लेकिन सैमसंग उसको इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर रही कि उसको इंप्लीमेंट करने में जो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी है वो सफ़र करने लग जाएगी। फाइनली अगर आप बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इस बार नोट सीरीज की डिवाइसेज अच्छे लेवल की बैटरीज के साथ आएंगी। तो जो लोअर वेरियंट है उस पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4000 mAh की बैटरी होगी और जो अपर वेरियंट है वो 4500 या 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। और जहाँ तक बात है चार्जिंग स्पीड्स की, तो आपको एक्जैक्टली वही चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेंगी जो कि S20 और S20 सीरीज़ में आ रही हैं, S20 अल्ट्रा सीरीज़ में आ रही हैं। तो 45 वाट और 25 वाट की जो चार्जिंग है वो मौजूद होगी और बॉक्स में आपको 25 वाट का जो चार्जर है वो देखने को मिल जाएगा। पर्सनली नोट सीरीज़ के रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि सैमसंग इस सारे सिस्टम को जब रिफाइन करती है तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है।